किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का स्वीट डिश दूध फरा। जैसे कि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि अनाजों में चावल का उत्पादन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर डिश चावल से बनते हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ का स्वीट डिश दूध फरा बनाने जा रहे हैं, जो कि चावल आटा से बनेगा और दूध। उसके लिए हमने ले लिया है 100 ग्राम चावल आटा, आधा लीटर दूध, शक्कर स्वाद अनुसार, ड्राई फ्रूट्स ले लिया जैसे कि काजू किशमिश और केसर गार्निश करने के लिए, और इलायची। इलायची को मैंने रोस्ट करके पीस लिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम चावल आटा और पानी से डो बना लेंगे। उसके लिए हमने पानी ले लिया है और चावल आटा है हमारे पास। हम सबसे पहले एक पतीले में चावल आटा डाल देंगे इस तरह, थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, बाकी हम बचा देंगे खीर के लिए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे हाथ से गूंथेंगे इस तरह, ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इस तरह हमारा डव तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अभी इसे अच्छे से गूंथेंगे तो ये फरा बनाते समय टूटेगा नहीं। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोई ले लेंगे इतना छोटा सा और इसे हाथ में इस तरह रखेंगे और रोल करेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह हमारा बन गया। फिर से रोल लेंगे इस तरह और हम बनाएंगे इस तरह, रोल करेंगे ताकि ऐसा बने। इस तरह हम सभी को बना लेंगे। जब आपके हाथ में आटा चिपकने लगे तो आप पानी छू लीजिए दोनों हाथ में इस तरह, बहुत ही कम, ताकि ये चिपके ना, और ऐसा करके आप बना सकते हैं फरा। जब तक हम फरा बनाएंगे उसके पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे पैन में इस तरह, और उसके बाद फरा बनाना स्टार्ट करते हैं। हम दूध को लो फ्लेम में गर्म होने देते हैं। इस तरह हमने फरा बना लिया है और अब ये दूध में डालने के लिए तैयार है। हम दूध देख लेते हैं अब कि वो उबला है कि नहीं, उसमें उबाल आएगा तो हम फरा डाल देंगे। हम देख सकते हैं दूध में अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसे डाल देंगे इस तरह। और फरा को दूध के साथ पकने देंगे। हम इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह, ताकि दूध पैन से चिपके ना, और धीरे से देखकर चम्मच चलाएंगे ताकि फरा टूटे भी ना इस तरह। और फरा के हाफ कुक्ड होने का हम वेट करेंगे दूध में। अब हम चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, ये फरा है जो हाफ कुक्ड होने वाला है, ये आधा पक चुका है। हम देख सकते हैं जब हम डालने वाले थे तो वो वाइट कलर का था, और अभी ये लाइट ब्राउन कलर का हो रहा है और ये चिकना भी दिख रहा है, इसका मतलब है ये पक रहा है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार शक्कर डाल देंगे इस तरह, और अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि ये बैठे ना, और अच्छे से पकाएंगे इस फरा को दूध के साथ, और शक्कर भी जाएगा उसमें। हम देख सकते हैं हमारा दूध फरा बन गया है, क्योंकि दूध भी पक गया है अच्छे से और फरा भी 2 से 3 मिनट के बाद। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हम इसमें दूध बचा कर रखेंगे, क्योंकि फरा सोख लेता है पूरा दूध, तो आप जब खाएंगे तो फिर दूध पूरा सूख जाएगा, इसलिए हम थोड़ा दूध बचा के रखेंगे। और लास्ट में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जैसे कि काजू किशमिश, इलायची पाउडर, और इसे चम्मच चला कर ढक के रख देंगे। दो मिनट बाद हम चेक करेंगे। हम ढक के इसलिए रखे थे ताकि इलायची का सुगंध जो है वो फरा और दूध में चले जाए अच्छे से, हमारे दूध फरा में जो बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे अंगाकर रोटी, चीला रोटी के साथ खा सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ी डिश की रेसिपीज मेरे चैनल में है, आप कभी भी देख सकते हैं उसे। इस तरह हमने केसर से गार्निश कर लिया है, और काजू किशमिश से भी, आप पिस्ता बादाम किसी से भी कर सकते हैं। इस तरह हमारा दूध फरा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर छत्तीसगढ़ी डिशेस। थैंक यू।